जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। ब्लडी स्वीट। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान के ट्रेलर ने यह साबित कर दिया है कि पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो रिकॉर्ड से वो पूरी तरह से खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर जवान फिल्म पठान से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने को तैयार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पठान के बाद जवान के ट्रेलर को जो रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जवान के ट्रेलर के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे थलापति विजय सर की फिल्म लियो के बारे में। इसके अलावा पिछले हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म सत्य प्रेम की कथा और पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन सभी फिल्मों ने क्या तबाही मचा रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के बारे में, जिस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज हो चुके हैं 13 दिन। दोस्तों कहने को तो यह पंजाबी फिल्म है, लेकिन फिल्म के जो कलेक्शन है वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कहीं ज्यादा है, और यह फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े के बिल्कुल करीब आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 13 करोड़ के बजट में बनी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3, जिस फिल्म में गिप्पी ग्रेवाल और सोनम बाजवा देखने को मिले थे, बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड तक यानी कि 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 83 करोड़ 71 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने 12वें दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट से 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की। वही दोस्तों यहां पर कैरी ऑन जट्टा 3 आज यानी कि 13वें दिन लगभग 2 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड मार्केट से कमा रही है, और इसी के साथ कैरी ऑन जट्टा 3 का शुरुआती 13 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 88 करोड़ 51 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े के करीब आ चुकी है। हालांकि फिल्म ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर एक ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म बन गई है। क्या ये बासी फाफड़े जैसे मुंह बनाए खड़ा है अना तू ना, इसलिए शादी के लिए इतना ही उतावला हो रहा है ना, चल लड़की ढूंढ अपने लिए। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म सत्य प्रेम की कथा के कलेक्शन के बारे में, तो कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा भी बॉक्स ऑफिस पर फाइनली सरप्राइज सुपरहिट बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के रिलीज होने के पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइव कर पाएगी, लेकिन अच्छे रिव्यूज की वजह से और कार्तिक आर्यन के दमदार फैन फॉलोइंग की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते तो धमाकेदार कमाई की, साथ ही साथ दूसरे हफ्ते में किसी भी फिल्म का कंपटीशन ना मिलने की वजह से सत्य प्रेम की कथा के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन भी लाजवाब रहे। ऐसा लग रहा है कि सत्य प्रेम की कथा बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 1-2 हफ्ते और चलेगी और फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन अच्छा खासा हो जाएगा। हालांकि बात करें सत्य प्रेम की कथा के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने 11 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 66 करोड़ से ज्यादा का किया था। वही 12वें दिन फिल्म का कलेक्शन इंडिया से 2 करोड़ 65 लाख रुपए का रहा। वही ये फिल्म आज यानी कि अपने 13वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है, और इसी के साथ सत्य प्रेम की कथा का शुरुआती 13 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 71 करोड़ 21 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 84 करोड़ 50 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 19 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों सत्य प्रेम की कथा का शुरुआती 13 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 104 करोड़ रुपए का। जी हां दोस्तों, सत्य प्रेम की कथा शुरुआती 13 दिनों में दुनिया भर से 104 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का बजट है 60 करोड़ रुपए, उस हिसाब से सत्य प्रेम की कथा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें तमिल सिनेमा के नंबर 1 सुपरस्टार थलापति विजय सर की अपकमिंग फिल्म लियो 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 के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे थलापति विजय और उनके साथ नजर आएंगे संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन। तो दोस्तों लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी फिल्म लियो, जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में भी काफ़ी स्क्रीन पर रिलीज होगी। दोस्तों इस वक्त देखा जाए तो लियो का जो बज़ है तेलुगु स्टेट
में काफी हाई लेवल पर है और सबको लग रहा है कि ये फिल्म ऑल इंडिया में बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो 2023 की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म है लियो। अब दोस्तों यहां पर थलापति विजय सर के जितने भी फैंस थे वो बेसब्री से लियो फिल्म की अपडेट्स का वेट कर रहे थे। दोस्तों फाइनली यहां पर लियो फिल्म के जो डायरेक्टर है लोकेश कनगराज, उन्होंने कल लियो फिल्म की एक धमाकेदार अपडेट दे दी है। और अपडेट ये है कि लियो फिल्म से थलापति विजय सर की जो शूटिंग शेड्यूल था वो कंप्लीट हो चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर थलापति विजय ने लियो की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा भी लियो की शूटिंग चलेगी तो सही, लेकिन थलापति विजय के बगैर, क्योंकि थलापति विजय के जितना भी रोल था उतना रोल यहां पर थलापति विजय शूट कर चुके हैं। अब फिल्म के मेकर्स जल्द से जल्द इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिलीज करने की प्लानिंग करेंगे। हालांकि दोस्तों लियो के टीजर ट्रेलर को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको आने वाले समय में बराबर वीडियो बनाकर बताता रहूंगा। बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। वही अब अगर बात की जाए अगले महीने रिलीज होने जा रही इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म जवान के बारे में, जिस फिल्म में आज नजर आएंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर अटली कुमार ने। तो दोस्तों कल जब जवान का ट्रेलर रिलीज हुआ था, ट्रेलर को पब्लिक ने खूब पसंद किया और यहां पर देखते ही देखते जवान का ट्रेलर ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुका है। और जवान के ट्रेलर ने यह इशारा कर दिया है कि जवान फिल्म पठान के जितने भी रिकॉर्ड से वो पूरी तरह से तोड़ देगी। क्योंकि दोस्तों यहां पर शाहरुख खान की फिल्म जवान को जो पब्लिक का प्यार मिला है वो काफी खतरनाक है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर जवान के ट्रेलर को सिर्फ 7 घंटों के अंदर 1 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं और जवान का ट्रेलर ऑलरेडी बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड ट्रेलर बन चुका है। तो दोस्तों यहां पर जवान के ट्रेलर को तो अच्छे खासे लाइक्स मिले और ट्रेलर ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुका है। अब मैं अगर इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के प्रेडिक्शन करूं तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है यहां पर जवान फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 150 करोड़ का कर सकती है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए, जवान फिल्म अपने पहले दिन दुनिया भर में 150 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी। हालांकि यह फिल्म हिंदी में कितनी कमाएगी, साउथ लैंग्वेजेस में कितनी कमाएगी, विदेशों से कितनी कमाएगी, इसका एक डिटेल वीडियो आपको कल जरूर देखने को मिलेगा। तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जवान के डिटेल एरिया वाइज बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन अभी के लिए इतना कंफर्म है कि जवान फिल्म अपने पहले दिन दुनिया भर से 150 करोड़ की ओपनिंग लेकर पठान के रिकॉर्ड्स पूरी तरह से चकनाचूर कर देगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, पठान की ही तरह जवान फिल्म दुनिया भर में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।